झुंझुनू जिले में खेतड़ी स्थित राजकीय अस्पताल में ओपीडी खुलते ही हंगामा हो गया, जहां संविदा कर्मचारी गजेंद्र सिंह के साथ डॉक्टर सुरेश मील ने घर बुलाकर मारपीट और गाली गलौज कर दी, और जिसकी जानकारी मिलने पर कर्मचारियों में रोष व्याप्त हो गया और डॉक्टर व अन्य कर्मचारियों के साथ कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठ गए और साथ ही आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दूसरी ओर अस्पताल में ओपीडी बंद होने पर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। सूचना पर बीसीएमओ डॉक्टर हरीश यादव मौके पर पहुंचे और अस्पताल कर्मियों से समझाइश का प्रयास कर रहे थे, लेकिन तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया, जिस पर एसडीएम इंद्रराज सिंह और पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और 4 घंटे की समझाइश के बाद ये पूरा मामला शांत हुआ। कर्मचारी डर गया, भयभीत था, उसने ऐसा कुछ बताया है, लिखित में दिया है, स्टाफ ने भी बताया है, स्टाफ ने भी लिखित में दिया है। हम डाक साहब को बुला के पूरी इसकी इंक्वायरी कराएंगे और जो भी कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। सीएमएचओ को भी कहा जाएगा, डाक साहब को भी कहा जाएगा कि इस तरह से किया है तो गलत किया है, पूरी कार्रवाई